गुड इवनिंग एवरीबॉडी, और आज के इस ऑनलाइन जय कृष्णमूर्ति संवाद में सबका स्वागत है। जैसा कि सबको पता है कि आज का हमारा जो विषय है जिस पे हम बात करेंगे वो है आत्मबोध, जिसको कि सेल्फ नोइंग भी बोलते हैं। और जय कृष्णमूर्ति ने लगभग अपनी सारी किताबों में और अपने जितने भी उन्होंने टॉक्स दिए हैं इसके बारे में बहुत बोला है और बहुत इम्पोर्टेंस दी है इसको। उन्होंने ये भी बोला है कि जो ध्यान की शुरुआत है वो है आत्मबोध, और जब तक हम खुद को नहीं जानते हैं, अपने आप को नहीं जानते हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम और किसी को नहीं जान सकते। और सबको पता है कि आज के हमारे स्पीकर है मुकेश जी, तो इसके पहले कि मुकेश जी आप कुछ स्टार्ट करें और इसके बारे में कुछ बोलें, मेरा जो इस विषय पर प्रश्न है वो ये है कि इतना अपने आप को जानना, खुद को जानना इतना जरूरी क्यों है? और अगर हम अपने आप को, स्वयं को नहीं भी जाने तो ये कैसे हमारे मार्ग में बाधक होगा? ये मेरा प्रश्न है। थैंक यू पूजा जी, आपने बड़ा एक गहरा सवाल किया है कि स्वयं को जानना क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये सवाल बहुत ही कम लोग पूछते हैं और हम अपनी ज्यादातर जिंदगी यूं ही भागते दौड़ते ही बिता देते हैं। तो ऐसा क्यों है कि उपनिषद काल से लेकर अभी तक 20वीं सदी में जय कृष्णमूर्ति जी हुए, उन सभी ने आत्मबोध को इतना महत्व दिया। आत्मबोध, जिसको अंग्रेजी में सेल्फ नॉलेज कहते हैं, स्वयं को जानना, इस पर इतना महत्व क्यों दिया गया? तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम अपने दैनिक जीवन में, एक बहुत ही साधारण उदाहरण है, जैसे आप किसी नए शहर में जाते हैं जहां पहले कभी नहीं गए, तो आपके अंदर एक सहज जिज्ञासा होती है कि मैं कहाँ हूं। आप पता लगाते हैं कि मैं कहाँ रह रहा हूं, क्योंकि जब तक ये पता नहीं रहता है तो अंदर एक उलझन बनी रहती है। मुझे याद है कि एक बार एक मित्र, एक यंग मैन आए थे रिट्रीट सेंटर में अमेरिका से। तो आने के दूसरे दिन वो बड़े परेशान थे, क्योंकि उनको पता नहीं था वो कहाँ आ गए। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि मैं कहाँ हूं, इसीलिए चारों तरफ मैं घूमना चाहता हूँ। तो मैंने उन्हें कुछ जो हिंट्स हो सकते हैं दिए। उन्होंने पूरा दिन, बल्कि कुछ दिन तक वो घूमते रहे ये जानने के लिए वो है कहाँ, क्योंकि पहली बार आए थे। तो उसके बाद उनका मन थोड़ा शांत हुआ, उनको पता लग गया कि भी वो कहाँ है। तो ये तो एक दैनिक जीवन का एक बड़ा, एक साधारण सा उदाहरण है। यदि आपको ये पता ना हो किसी भी विषय में, आप कोई भी जीवन का कोई भी विषय ले लीजिए, यदि उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो वो एक उलझन का कारण बना रहता है। इसीलिए जो जिज्ञासा है वह मस्तिष्क का, मन का एक सहज गुण है। मैं और ये बात तो बहुत सरल है बाहर के विषयों के बारे में, यदि हम गणित में, साइंस में, या जहां हम रह रहे हैं किसी शहर में जाकर पता लगाना। बाहरी जगत में तो बड़ा, कहना चाहिए कि एक तरह से सरल होता है, पर यही बात हम अपने भीतर लागू नहीं करते हैं ज्यादातर। हम जिसके साथ रह रहे हैं दिन रात, जिस मन मस्तिष्क के साथ, जिस चेतना के साथ, उसके बारे में हम क्यों नहीं पता लगाते? या हम केवल ये मान लेते हैं कि यह ऐसा है और उस माने हुए के साथ लगातार जीते जाते। ये कुछ वैसा ही हुआ कि जैसे मैं दिल्ली में हूं और कोई मुझसे पूछे भाई पार्लियामेंट कहाँ है, और कोई मुझे गलत रास्ता बता दे कि भाई पार्लियामेंट वहां है, और मैं वहां पहुंच जाऊं और मुझे वो पार्लियामेंट मिले ही नहीं, तो एक बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है। तो कुछ ऐसा ही है कि हमने मान लिया है कि
कि हम कौन है, दूसरे लोग कौन है, और उसी के साथ जीते रहते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि भ्रांति बनी रहती है, इल्यूजन्स बने रहते हैं। तो अज्ञानता के बारे में, अज्ञानता के साथ जीना, स्वयं को ना जाने बिना जीना, वह दुख का कारण बन जाता है। फिर हम झूठी मान्यताओं के साथ, झूठे जो विश्वास है उनके साथ, भ्रमों के साथ जीते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस धरती पर जो सबसे खतरनाक चीज है वह है अज्ञानता, इग्नोरेंस। और इस इग्नोरेंस के कारण ही हमारे जीवन में इतने दुख संताप आते हैं, इतने झगड़े होते हैं। हम जितने भी समस्याएं देखते हैं मनोवैज्ञानिक स्तर पर, और यहां तक कि भौतिक स्तर पर भी, क्योंकि मनोवैज्ञानिक और भौतिक एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बाहर संसार में हम जो देख रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है, वो आखिरकार हमारे जो मन का स्वरूप है, हम जिस तरह से अंदरूनी रूप से जी रहे हैं, वही बाहर प्रकट होता है। वो एक तरह का मिरर है जो हम बाहर देख रहे हैं। यदि समाज में, हमारे परिवार में द्वंद है, दुख क्लेश है, अशांति है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे अंदर भी वही अशांति है, कंफ्यूजन है, इल्यूजन्स है, इसीलिए वो बाहर प्रकट होते हैं। तो इस अज्ञानता के साथ जीने के बड़े गहरे इम्प्लीकेशंस हैं, निहितार्थ हैं। और जब तक हम इस अज्ञानता के प्रति सजग नहीं होते हैं, हम एक सेल्फ क्रिएटेड प्रिजन में, स्वनिर्मित कारागार में जीते रहते हैं। और इस स्वनिर्मित कारागार किस चीज की बनती है? विचारों के द्वारा बनती है। विचार का अपना एक स्थान है भौतिक जगत में, पर वही विचार जब हमें और आपको डिफाइन करने लगता है, तो हम बहुत सीमित हो जाते हैं। एक बड़ा ही साधारण सा उदाहरण है, बल्कि बहुत गहरा भी है ये, कि जब हम अपने को मानने लगते हैं कि मैं इस धर्म को बिलोंग करता हूँ, आप उस धर्म को करते हैं, तो हम एक आइडेंटिटी बना लेते हैं, अपनी पहचान। अभी जो पहचान बनाना है, ये पूरी तरह से कंडीशन्ड प्रोग्रामिंग के तहत है। और ये जो कंडीशनिंग है, प्रोग्रामिंग है, ये सैकड़ों हजारों सालों से चली आ रही है। जब तक हम इसके बारे में सजग नहीं होते हैं, तो हम इस प्रोग्रामिंग की कैद में जीते रहते हैं, और इसी को हम सच मानते हैं। और ये कैद के कई स्तर हैं, कई लेयर्स हैं। हम अपने को हम धर्म के आधार पर, राष्ट्रीयता के आधार पर, रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, अमीर गरीब के आधार पर, मतलब इतने सारे विभाजन हैं। हम इन्हीं झूठे विभाजनों के साथ जीते रहते हैं। और क्या उसका असर होता है हमारे जीवन में, ये सभी को पता है। इतनी अधिक असामान्यता क्यों है हमारे समाज में? प्रेम का अभाव क्यों है? करुणा का अभाव क्यों है? ये सिर्फ एक ही कारण है इसका, स्वयं को ना जानना। यही सबसे बड़ी अज्ञानता है, और यही सबसे खतरनाक वस्तु है इस धरती पर, खुद को ना जानना। दूसरे अर्थों में खुद को जानना संस्कारबद्ध विचारों के द्वारा, खुद को जानना भ्रमों के द्वारा, तब हम अपने को बिल्कुल गलत ढंग से जानते हैं, एक बिल्कुल ही सीमाबद्ध तरीके से जानते हैं, जो कि जानना नहीं है बल्कि मानना है। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है आत्मबोध, सेल्फ नॉलेज। और सारे शिक्षकों ने इस पर इतना सारा महत्व दिया है, क्योंकि स्वयं को ज्यों का त्यों जाने बिना हम भ्रांतियों में जीते रहेंगे, खुद के लिए औरों के लिए दुख क्लेश उत्पन्न करते रहेंगे, हमारे जीवन में संघर्ष होगा, अनावश्यक रूप से दुख आएगा, और हम उन चीजों के पीछे भागते रहेंगे जो वास्तविक नहीं है, जो नॉन एसेंशियल है, बिल्कुल अनावश्यक चीजों के पीछे भागते रहेंगे। अनावश्यक चीजों को हम एक बहुत बड़ा इश्यू बना लेंगे।
ये जैसे हमने आइडेंटिटी का मुद्दा कहा, पहचान का, हम झूठी पहचान के साथ जीते रहेंगे, उसके लिए एक दूसरे को मरने मारने पर आतुर रहेंगे, कितने बड़े दुख की बात है ना ये। और यदि हमने खुद को ज्यों का त्यों जान लिया, और ये खुद को ज्यों का त्यों जानना कैसे हो पाए, क्योंकि यदि हमने यह माना हुआ है कि केवल विचार है जिसके द्वारा हम इस पूरे जीवन को जी सकते हैं, खुद को औरों को जान सकते हैं, तो फिर हम विचार के ही उस कैद में जीते रहे। तो विचार के माध्यम से यानी संस्कारबद्ध मन के माध्यम से जानने का अर्थ है अपने को कैद रखना, भ्रमों के साथ जीना। तो अब सवाल है कि क्या किसी और तरीके से जानना है खुद को, क्या कोई और टूल है हमारे पास, कोई और माध्यम है खुद को जानने का, क्योंकि जब तक हम विचार के माध्यम से जान रहे हैं तो हम खुद को बिल्कुल सीमित रखेंगे, और यदि कोई और टूल नहीं है तब तो फिर स्वतंत्रता की कोई गुंजाइश नहीं, फिर तो हम परतंत्र हैं अपने संस्कारों के प्रति, अपने जो भी मान्यताएं हैं, हमारे जो भी विश्वास हमने मान लिए हैं, परंपराएं हैं, उन्हीं की कैद में जीते रहे। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है खुद को जानना। बहुत आपने अच्छी तरह से समझाया मुकेश जी इसके बारे में कि आत्मबोध हमारे लिए क्यों जरूरी है, और जैसा कि कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं, तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें ये पता चले कि किस टाइप के विचार हैं जो हमारे अंदर होते हैं, कैसे विचार आते हैं हमें। और इसी के साथ मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि क्या हम कभी अपने आप को पूरा जान सकते हैं, क्योंकि अनेकों मेमोरीज स्मृतियां होती हैं हमारे माइंड में, और कहते हैं कि 5 साल के पहले वाली जो मेमोरी होती है वो हमें याद नहीं रहती। तो बहुत सारे हमारे एक्सपीरियंस होते हैं इस जीवन में, तो क्या हम अपने आप को पूरा अच्छी तरह से जान सकते हैं कि हमारे जो भी एक्शन है वो कोई हमारे पूर्व एक्सपीरियंस की वजह से नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा? बिल्कुल, ये बड़ा सुंदर प्रश्न किया आपने, क्योंकि ये जो मेमोरीज हैं यही तो विचार के रूप में सक्रिय होती है। विचार क्या है? जो हमारी स्मृतियां हैं, कि जो यादें हैं, उसमें से जो रिस्पॉन्स आता है, जो प्रतिक्रियाएं आती हैं, वही विचार है। और ये हमारे जीवन में आवश्यक भी है, जो भी हम रोजमर्रा के काम करते हैं, अपनी जो जॉब है, ये जो भाषा मैं इस समय इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मेमोरीज के कारण है। शुरुआत में इसको सीखना पड़ता है, फिर बाद में सहज हो जाता है। जैसे ड्राइविंग है, शुरुआत में आप सीखते हैं, फिर वो अपने आप ही इंटरनलाइज हो जाता है। तो विचार का, स्मृतियों का अपना एक स्थान है। मैं कहाँ रह रहा हूँ इस समय? वाराणसी में हूँ, इस जगह पर हूँ। इसका एहसास रखने के लिए, इसका जो ज्ञान रखने के लिए, तो मुझे स्मृति की जरूरत है। अब कहाँ पर विचार की आवश्यकता नहीं है, यह जानना प्रज्ञा का, कहना चाहिए प्रज्ञा का लक्षण है। जो इंटेलिजेंस है वह यह है कि थॉट का, मेमोरीज का कहाँ वास्तव में रोल है और कहाँ पर ये बिल्कुल अननेसेसरी हो जाती है, इसका कोई रोल नहीं रहता है। भौतिक जगत में तो है, पर मनोवैज्ञानिक जगत में विचारों का क्या कोई भी स्थान है? क्योंकि जैसे ही विचार या स्मृतियां, मनोवैज्ञानिक, अब हमारा जो मेंटल स्फीयर है, जो साइकोलॉजिकल वर्ल्ड है, उसमें प्रवेश करती है, वहीं से फिर कंफ्यूजन होने लगता है। तो स्वयं को जानने का क्या अर्थ है? इसको छोड़कर जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, जो तथ्य परक ज्ञान है, उसकी तो आवश्यकता है, उसको हम नहीं नकार सकते।
पर मनोवैज्ञानिक रूप से खुद को जानने का क्या अर्थ है? यदि हम, जैसा कि मैंने कहा कि केवल विचार के दायरे से खुद को जानते हैं मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, क्योंकि विचार ये कहेगा कि भाई मैं भारतीय हूं, मैं हिंदू हूं या कुछ और हूं, मेरे अंदर ये कमियां हैं, मैं खूबसूरत नहीं हूं या हूं, ये सारी जो कैटेगरीज हैं ये मनोवैज्ञानिक जगत की कैटेगरीज आ जाती है। ये बचपन से हमें सिखाया जाता है कि देखो तुम्हें उसके जैसा बनना है। हम अपने बच्चों को कहते हैं भाई तुम्हें उससे बेहतर बनना है। जैसे ही हमें कह देते हैं, जैसे ही तुलना ला देते हैं, वहीं पर हम विचारों को, स्मृतियों को मनोवैज्ञानिक जगत में प्रवेश करा देते हैं और यहीं से ही फिर एक आंतरिक द्वंद की शुरुआत हो जाती है। तो अब प्रश्न यह है कि खुद को जानने के लिए क्या कोई और इंस्ट्रूमेंट है? क्योंकि यदि हम विचार के माध्यम से जानेंगे तो उसकी ये सारी सीमाएं। जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जो कि कंडीशन नहीं है, क्योंकि विचार कंडीशनड इंस्ट्रूमेंट है, जो संस्कारबद्ध मन है उसके द्वारा हम खुद को जानेंगे तो फिर एक उसी दुख क्लेश के दायरे में ही रहेंगे। तो ये जो शिक्षाएं हैं वे बताती हैं कि एक और अनकंडीशनड इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम खुद को जान सकते हैं, वह है प्योर अवेयरनेस, चॉइसलेस अवेयरनेस, या इसको हिंदी में कहते हैं कि निर्विकल्प, चुनाव रहित सजगता, प्योर ऑब्जर्वेशन, विशुद्ध अवलोकन, चीजों को ज्यों को त्यों देख, चीजों के बारे में ज्यों का त्यों सजग हो। अब ये जो सजगता है, ये जो अवलोकन है, यह विचार पर निर्भर नहीं, विशुद्ध रूप से सुनना यह संस्कारबद्धता के दायरे में नहीं। हम ज्यों का त्यों सुन सकते हैं बिना किसी बैरियर के। जब हम विचार के माध्यम से सुनते हैं तो तुलना में खो जाते हैं कि उसने क्या कहा था और इसने क्या कहा, उसके में तुलना में फिर वो एक एनालिटिकल स्टडी हो जाती है जिसका एकेडमिक वर्ल्ड में तो स्थान है पर स्वयं को ज्यों का त्यों देखने में, जानने में स्थान नहीं है। तो ये जो प्योर ऑब्जर्वेशन है, प्योर अवेयरनेस है या प्योर लिसनिंग कहिए, ये सब एक ही है, अलग अलग नाम हम दे रहे हैं, जो संस्कारबद्ध नहीं है। नहीं तो हर चीज संस्कारबद्ध है। तो क्या हम स्वयं को और पूरे जीवन को ज्यों का त्यों देख सकते हैं, उसके बारे में सजग हो सकते हैं? और इस सजगता में किसी प्रकार का कोई तुलना नहीं है, कोई मूल्यांकन नहीं है। अब जब मैं खुद को देखता हूं तो अपने बारे में क्या विचार रखते हैं, उन विचारों के बारे में भी मैं सजग हो सकता हूं। विचार जो भी कहानियां कह रहा हूं मेरे बारे में, औरों के बारे में, उसको मैं ज्यों का त्यों देख सकता हूं। अब ज्यों का त्यों देखने में क्या होता है, एक स्पेस क्रिएट हो जाता है। फिर जो विचार की कहानियां हैं, जो संस्कारों की कहानियां हैं, वह फिर हावी नहीं होती हमारी चेतना। तो ये जो प्योर ऑब्जर्वेशन है या प्योर अवेयरनेस है, ये अपने आप में एक स्वतंत्रता है। एक जगह कृष्णमूर्ति कहते हैं कि फ्रीडम इज नॉट फ्रीडम फ्रॉम समथिंग। स्वतंत्रता किसी चीज से मुक्त होने में नहीं है। फ्रीडम इज टू सी थिंग्स एज दे आर, इज टू सी कंडीशनिंग एज इट इज। संस्कारबद्धता को ज्यों का त्यों देखना ही मुक्ति है। तो आपको संस्कारबद्धता से लड़ना नहीं है, क्योंकि कई बार हम
इन टीचिंग्स को पढ़कर भी एक धारणा बना लेते हैं। हम संस्कार बद्धता को दुश्मन बना लेते हैं, विचार को दुश्मन बना लेते हैं। तो ये वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसको एनिमी बना लीजिए। विचार की सीमाएं हैं, उसको देखिए और विचार को जो सही स्थान है वहां उसको दीजिए। तो संस्कार बद्धता की सीमाएं हैं उसके बारे में सजग रहिए। उससे आपको लड़ना झगड़ना नहीं है कि भाई इसको दुश्मन मान के आप इसके पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप इसके पीछे पड़ेंगे आप फिर और उसमें उलझते जाएंगे। इसीलिए जय कृष्णमूर्ति निष्प्रयास की क्यों बात करते हैं, एफर्टलेस अवेयरनेस। चॉइसलेस अवेयरनेस इज ऑल्सो एफर्टलेस अवेयरनेस। चॉइस का मतलब है कि पसंद नापसंदगी, मैं इसके बारे में सजग होऊंगा उसके बारे में नहीं होऊंगा, तो वहां सजगता नहीं है। यहाँ विचार केवल चुनाव कर रहा है अपनी सुविधा अनुसार। तो हमें यदि हम जब सजग होते हैं अपनी किसी भी सीमा के प्रति, अपनी किसी भी जो कारागृह के प्रति, तो उस सजगता में जो सावधानी की आवश्यकता है कि हमें उसके साथ संघर्ष नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आप आएंगे आप और एक विभाजन खड़ा कर देंगे। क्योंकि विचार फिर एक मिशन बना लेगा कि नहीं मुझे इसको खत्म करना है, फिर वहां पर सजगता चली गई, विचार ने फिर अपना कहना चाहिए जो स्थान ग्रहण कर लिया, वो इंचार्ज बॉस बन गया हमारी लाइफ का। तो हमें जो ये पूरी जो सेल्फ इंक्वायरी है इसमें हमें विचार को उसका सही स्थान देना है, विचार को हमें अपना बॉस नहीं बनाना है। क्योंकि आप ये देखिए, हम अपने दैनिक जीवन में देखें तो रात दिन हम लोग क्या करते रहते हैं, लगातार विचारों की उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। क्या नहीं होता, लगातार तुलना करना, दूसरा ये कह रहा है, दूसरा क्या सोच रहा है मेरे बारे में, वह क्या कर रहा होगा, तो लगातार एक कल्पना की जगत में जीते हैं। ये अपने आप में एक शॉकिंग होगा जब आप वास्तव में देखेंगे कि हम क्यों लगातार कल्पना और विचार की जगत में जीते हैं। और फिर एक डिजायर्स का जगत होता है, कामनाओं का जगत, और फिर भय का जगत। ये चार ही वर्ल्ड है जिसमें हम लोग जीते हैं, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। द वर्ल्ड ऑफ थॉट, द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन, द वर्ल्ड ऑफ डिजायर्स एंड द वर्ल्ड ऑफ फियर्स, ये हमारा कुल मिला के जीवन होता है। और ये क्यों ऐसा है, क्योंकि हमने स्वयं को ज्यों का त्यों नहीं जाना। हम खुद को जानते हैं उसी संस्कारबद्ध टूल के द्वारा। इसीलिए हमारे जीवन में इतना संघर्ष, इतनी बिकमिंग कहना चाहिए, कुछ ना कुछ होने बनने की दौड़ लगी रहती, कहीं कोई शांति नहीं होती। तो शांति की, प्रेम की, करुणा की शुरुआत ही तब होती है जब हम इस सेल्फ नोइंग की प्रोसेस में जाते हैं। और ये सेल्फ नोइंग की प्रोसेस हमें कोई सूचना इकट्ठा करना नहीं अपने बारे में। पहले हम एक किस्म की सूचना इकट्ठा कर रहे थे, अब दूसरे किस्म की सूचना नहीं कि भाई कि नहीं मैं ब्रह्म हूं, मैं टाइमलेस हूं, फिर वो दूसरा मोड आ जाता है। तो हमें सेल्फ नॉलेज का अर्थ ये नहीं कि हमें अपने बारे में और अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी सूचना इकट्ठी करनी है, वो फिर आगे विचार का ही जगत होगा। सेल्फ नोइंग का अर्थ है कि स्वयं को ज्यों का त्यों हर पल देखना। और इस पल में देखने का अर्थ है कि फिर हम अपने बारे में कुछ स्मृतियां इकट्ठी नहीं कर रहे। जो भी स्मृति उठ रही है, जो भी विचार अपने को, खुद को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है किसी खास ढांचे में, उसकी सच्चाई को हम देख रहे हैं, उसकी झूठेपन को देख रहे हैं। और जैसे हम झूठेपन को देखते हैं वो चीज अपने आप ही खत्म हो जाती है। देखना ही एक्शन है, जैसे जय कृष्णमूर्ति हमेशा कहते थे कि सीइंग इज एक्शन, सीइंग इज निगेशन। झूठ को झूठ की तरह देखना ही झूठ का खत्म होना है, भ्रम को भ्रम की तरह देखना ही भ्रम का खत्म होना है। जो भी भ्रम मैंने अपने बारे में पाला हुआ है, या दूसरे के बारे में, या संसार के बारे में, जिस पल हमें एहसास होता है कि भ्रम है, वो एफर्टलेसली ड्रॉप हो जाता है। उसमें हमें कोई प्रयास नहीं करना है,